तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो होने वाला है अभी प्लेस्टेशन का एक शोकेस इवेंट 9 सितंबर को, उसमें हमको कौन कौन से गेम मिलेंगे देखने को। यहाँ पे जो हमारा पहला गेम है वो होगा हॉराइजन फॉरबिडन वेस्ट का गेम प्ले हमको यहाँ मिलेगा देखने को, जो होगा इसका बिल्कुल एक फिनिश्ड प्रोडक्ट गेम प्ले जो कि हमको मिलेगा देखने को इस इवेंट में। यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा अगला गेम है जिसके बारे में हर कोई इंतज़ार कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया कर रही है, उस गेम का नाम है गॉड ऑफ वॉर का नेक्स्ट गेम का गेम प्ले और साथ में उसका रिवील प्लस उसका गेम प्ले। इसके बारे में दुनिया भर में बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि भैया कि हुआ क्या, जो गेम आया था गॉड ऑफ वॉर 2018 में उसके बाद गेम में हुआ क्या, आगे की स्टोरी क्या है, जो हमको चलेगा पता है इस इवेंट में। कि आपको पता है जब गॉड ऑफ वॉर 2018 का पहला रिवील हुआ था उन्होंने उसका ट्रेलर नहीं दिखाया ना टीजर, डायरेक्ट गेम प्ले। तो यहाँ पे चांस है कि हमको मिले पहले गेम प्ले फिर उसका दिखा जाए ट्रेलर। जो भी है इस गेम के बारे में हर कोई वेट कर रहा है, जो कि इसका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा और हमें मिलेगा हमारे इस गेम का एक ऑफिशियल टाइटल प्लस गेम प्ले। यहाँ पे जो हमारा अगला गेम है उसका नाम है इनफेमस। जी हाँ, आपको पता होगा इनफेमस एक गेम है प्लेस्टेशन का जो बनाया था सकर पंच ने, जो उसका गेम आखिरी आया था 2014 में। लेकिन यहाँ पे कल रूमर आई है, बहुत ही बड़ी रूमर है कि इस इवेंट में इनफेमस का नया गेम, नया उसका पार्ट रिवील हो सकता है। ये कल रूमर आई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये रूमर है ना बहुत ही बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे देखो गेम कम से कम 8 साल बाद आ सकता है, मतलब अभी रिवील होगा फिर गेम आएगा अगले साल या उसके अगले साल, लेकिन जो भी है ये गेम रिवील हो सकता है इस इवेंट में, तो आप तैयार हो जाइए। कुछ दिन पहले यहाँ पे रूमर्स आई थी कि जो एलन वेक का रीमास्टर्ड वर्जन है, ये गेम 2010 में आया था, सब पे आया था, आपका PS3 हो, PS4 हो, PC हो, लेकिन इस बार जो रूमर आई कि इस गेम का जो रीमास्टर्ड है उस पर काम चल रहा है और ये गेम पहले आ सकता है PS4 और PS5 पे, PC पे आएगा लेकिन PC पे आएगा बाद में। तो ये रूमर आई है और ये रूमर काफ़ी सही भी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे रूमर है ना ये बार बार आ रही है। यहाँ पे जो अगली चीज़ है वो हो सकता है रिवेल GTA रिमास्टर्ड, जो उसकी ट्रोलॉजी है उसका गेम प्ले हमको यहाँ देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमको पता है जो इसका ट्रोलॉजी है वो पहले आएगी PS4 और PS5 पे, फिर जाके अगले साल में वो आएगी PC, गूगल स्टेडिया और एक्सबॉक्स पे। अब यहाँ पे जो हमारा अगला गेम वो दिखा सकते हैं, उसका नाम है लास्ट ऑफ अस रीमेक। आपने सुना होगा कि लास्ट ऑफ अस रीमेक पे काम चल रहा है, जो गेम था हमारा डेज गॉन 2 उसको कर दिया कैंसिल, अब यहाँ पे काम चल रहा है किस पे, लास्ट ऑफ अस 2 पे। तो हमें उसका एक छोटा मोटा टीजर मिल सकता है देखने को, लेकिन ये गेम आएगा सिर्फ PS5 पे। हमारा अगला गेम है जिसका नाम है स्पाइडरमैन 2018 का सीक्वल, जो कि उम्मीद है कि हमको इस इवेंट में उसका एक टीजर या गेम प्ले मिलेगा देखने को, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे एक और रूमर लोगों की है कि जो गेम है अनचार्टेड 5 उसका हमको यहाँ पे बहुत ही छोटा सा टीजर मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये होगा। और हमको पता है यहाँ पे GTA 5 के रीमास्टर्ड पे काम चल रहा था और वो गेम रिलीज होगा इस साल नवंबर या दिसंबर में, तो जो उसका गेम प्ले है वो तो पक्का है दिखाना, जो आपको मिलेगा इस इवेंट के अंदर। और ये इवेंट है 40 मिनट्स का, जो कि बहुत ही बड़ा इवेंट है, ये कोई स्टेट ऑफ प्ले नहीं है, ये सोनी का शोकेस इवेंट है जो कि आपको मिलेगा देखने को बहुत ही जल्दी 9 सितंबर को। और यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ है कि जो पहले हॉराइजन फॉरबिडन वेस्ट का जो अपग्रेड था PS4 टू PS5 वो फ्री नहीं था, पहले आपको गेम को दोनों कंसोल में सेपरेटली परचेज करना पड़ता था, मतलब करते आप। लेकिन यहाँ पे लोगों ने जो करा क्रिटिसाइज तो सोनी ने बात सुनी और उस अपग्रेड को कर दिया बिल्कुल फ्री। अगर आप गेम को परचेस करते हो PS4 पे तो आप बिना कोई भी एक्स्ट्रा पैसा दिए आपका गेम अपग्रेड हो जाएगा PS5 के वर्जन पे, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है कि सोनी ने सुन ली अपने फैंस की, जो उसके कंज्यूमर्स हैं प्रोडक्ट के, जो उनके कंसोल यूज़ करते हैं। ये इवेंट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, ये गेम आपको मिलेगा देखने को प्लेस्टेशन के ऑफिशियल चैनल पे और प्लस जो IGN का चैनल है वहाँ आपको मिल जाएगा देखने को, इसका बिल्कुल लाइव स्ट्रीम आप देख पाएंगे अपने YouTube पे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे मैं आपसे एक और बात कह दूँ, कीप योर एक्सपेक्टेशन लो एंड यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड।